हाय दोस्तों, वेलकम टू आरडब्ल्यू रिव्यूज। आज हम कंपेयर करने वाले हैं डॉक्टर एलीस विटामिन सी सेरम वर्सेस गार्नियर सुपर वी सेरम। अब ये दोनों ऐसे सेरम हैं जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो मैंने सोचा एक दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाते जो आपको हेल्पफुल हो सकता है कि किसे इसे यूज़ करना चाहिए और किसे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये चैनल को आप सब्सक्राइब करते तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है कि आपको ऐसे वीडियोज़ में ला सकूँ। तो बिना किसी देरी से चलो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला अगर हम क्राइटेरियाज देखें तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है डॉक्टर एलिस विटामिन सी सेरम के, जो प्राइमरी फंक्शंस है वो स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट्स है उसमें, उसके लिए मेन उसका काम होता है। एंड ऑन द अदर एंड गार्नियर का सुपर यूवी सेरम जो रहता है वो यूवी प्रोटेक्शन के लिए है, सन से जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं आपके स्किन को उसके लिए बचाने के लिए, और ब्राइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग के लिए। बट इसका मेन काम जो है वो यूवी प्रोटेक्शन है। की इंग्रेडिएंट्स क्या है, विटामिन सी है, हेलरोनिक एसिड है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। अभी इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पूरा बनाया है, डॉक्टर एलिस का जो मैंने प्रोडक्ट है उसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उस पर बहुत लोगों ने अच्छा प्यार भी दिया उस वीडियो में, तो जरूर देखिए। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, एसपीएफ 50, यूवीए यूवीबी फिल्टर्स जो है उसमें एड ऑन्स मिलते हैं ताकि आपकी स्किन को जो है वो सन से प्रोटेक्शन मिल सके। अब टारगेट स्किन कंसर्न कौन से, कौन लोग, मतलब कौन सी स्किन के लिए ज्यादा कंसर्निंग है, डल स्किन, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन लोगों को जो ये सब समस्या है वो लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपकी स्किन डल है, आपको पिगमेंटेशन हो रहा है या फिर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो डॉक्टर एलिस का जो विटामिन सी का सेरम है वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। उसके बाद यूवी प्रोटेक्शन, ये वाला जो टारगेट स्किन कंसर्न किसके लिए, गार्नियर सुपर वी यूवी सेरम, यूवी प्रोटेक्शन, सन डैमेज प्रिवेंशन, पिगमेंटेशन। मोस्टली क्या है, सन के वजह से आपके चेहरे पे जो जो नुकसान होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो ना, मेरे चेहरे पे सन पे अगर मैं एक्सपोजर जरा भी दे दूं तो टैन वगैरह जल्दी हो जाता है, तो ऐसा सेरम मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। अभी एसपीएफ प्रोटेक्शन सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फॉर्मूला डॉक्टर एलिस में नहीं है, गार्नियर के यूवी सेरम में है। एसपीएफ 50 प्लस विथ पी प्लस प्लस प्लस, मतलब पूरा आपको सन से जो जितना भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है वो बचने ही वाले हो आप। उसके बाद टेक्सचर कैसा है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी सेरम है डॉक्टर एलिस का, एंड ये भी लाइट वेट है और वाटरी सेरम है। कौन सा, गार्नियर यूवी वाला जो सेरम है, सुपर यूवी जो है वो लाइट वेट और वाटरी सेरम है। उसके बाद जब हम जाते हैं तो कौन से स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, डॉक्टर एलिस का तो ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, स्पेशली फॉर डल एंड एजिंग स्किन उसके लिए तो ज्यादा ही सुटेबल है। बट गार्नियर का यूवी सेरम है ये, और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बट आइडियल फॉर डेली सन एक्सपोजर प्रोटेक्शन। मतलब आप रेगुलरली अगर आप बाहर जाते हो, सनलाइट में आपका काम है, डिलीवरी का आपका जॉब है, या दिन भर आपका फील्ड पे ही काम है, धूप में, धूल मिट्टी में, तो आप गार्नियर यूवी सेरम जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके बाद यूजेज, डे एंड नाइट आप कभी भी यूज कर सकते हो, अप्लाई बिफोर मॉइस्चराइजर, मतलब मॉइस्चराइजर लगाने से पहले डे एंड नाइट आप कभी भी यूज कर सकते हो, मतलब डे सेरम भी है, नाइट सेरम भी है। अब ये क्या है, डे यूज के लिए ही रहता है, अप्लाइड आफ्टर स्किन केयर रूटीन बिफोर द सन एक्सपोजर, मतलब आपका स्किन केयर रूटीन हो गया उसके बाद अगर आप ये सेरम लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब ये नाइट यूज के लिए नहीं है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या है, ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है डॉक्टर एलिस का, और कोई भी रेसिड्यू जो है वो छोड़ता नहीं है, मतलब कोई भी आफ्टर, मतलब ऐसा धूल, मतलब ऐसा कुछ रेसिड्यू रहता है, बचा हुआ प्रोडक्ट रहता है, छोड़ता नहीं है। सेम यहाँ पे भी फास्ट एब्जॉर्प्शन है और लाइट वेट फिनिशिंग है, आपके चेहरे को वो जो व्हाइट कलर का फ्लेम जो दिखाई देता है वो सेरम नहीं दिखाएगा गार्नियर यूवी, सेम डॉक्टर एलिस के साथ भी है। दोनों ही अफोर्डेबल है, मिड रेंज प्रोडक्ट्स है। फ्रेग्रेंस इसमें माइल्ड सिट्रसी फ्रेग्रेंस है डॉक्टर एलिस के प्रोडक्ट में, सिट्रसी फ्लेवर अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं नींबू टाइप का फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है, ये माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ आता है गार्नियर यूवी का। उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, डॉक्टर एलिस का प्रोडक्ट बोलता है कि ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन है, रिड्यूस पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है, बूस्ट हाइड्रेशन, स्किन को हाइड्रेटेड लगता है, और यहाँ पे क्या एडिशनल बेनिफिट्स है, सन से प्रोटेक्शन मिलती है, डार्क स्पॉट्स को बचाता है, और ये भी आपके चेहरे को हाइड्रेटेड लगता है, मतलब सूखा करने नहीं देता है चेहरे को। इसके साथ पैकेजिंग कैसी है, टिपिकल कम्स इन अ ग्लास ड्रॉपर बॉटल, मतलब जो बॉटल आती है वो ग्लास का रहता है और वो ड्रॉपर मिलता है आपको, और यहाँ पे कैसा है, कम्स इन अ ट्यूब और अ पंप पैकेजिंग, मतलब सीधा ऐसा ट्यूब के जैसा, जैसा आपका टूथपेस्ट का ट्यूब रहता है वैसे के पैकेजिंग में आता है। तो इससे ज्यादा डिटेल रिव्यू मुझे नहीं लगता आपको किसी चैनल में मिलने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना,
ये था अपना डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एलिस विटामिन सी सेरम और गार्नियर सुपर वी यूवी सेरम। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बोलिए कमेंट सेक्शन में। आपको किसी वीडियो के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बोलिए कमेंट सेक्शन में, उसको बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही में आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन ये चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, जितने लाइक्स कर सके उतने कर सको। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इट्स रोहन वाक्चर साइनिंग ऑफ।